बात इसलिए वहाँ नहीं लिए। आप लोगों ने इस्तीफे की बात ललन सिंह की कही थी। अब ललन सिंह का कहना है कि जो समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों ने इस तरह की खबरें चलाई उन पर हम लीगल नोटिस भेजेंगे, उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो ये इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे देखा जाए सर? देखिए, जदयू में जिस तरह का जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बटी, लोग अबीर गुलाल लगा रहे थे, ये दर्शाता था कि ललन सिंह से मुक्ति पा लिया जदयू के लोगों ने। तो जो ललन सिंह कहते थे कि हम भारत को भाजपा मुक्त करेंगे, उस ललन सिंह को जदयू ने और मुक्त कर दिया। और देखिए, ललन सिंह चूँकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, इसका गुस्सा था उनके मन में, और उन्होंने नीतीश कुमार को भड़काकर बरगलाकर एनडीए का गठबंधन तोड़वा दिया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवा दिया, और वो लालू से इतने करीबी हो गए, ये जदयू के लोगों को भी अखरने लगा। और ये वही ललन सिंह है जिनके कारण लालू यादव को जेल जाना पड़ा, ये वही ललन सिंह है जिन्होंने चारा घोटाले का मुकदमा दायर किया और आज लालू यादव 5 मामलों में सजा याफ्ता है, ये वही ललन सिंह है जिन्होंने नौकरी के बदले जो रोजगार का मामला था रेलवे के अंदर, उसके सारे दस्तावेज मनमोहन सिंह को सुपुर्द किया था, और आज वो लालू के सबसे करीबी हो गए, तो इसलिए उनको उनका रास्ता दिखला दिया गया है। लेकिन अब ललन सिंह चुप रहने वाले नहीं हैं। इसलिए देखिए, नए वर्ष के अंदर मैं 2 भविष्यवाणी करता हूँ, एक तो जदयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जदयू का टूटना, ये 2 चीज़ें 2024 के अंदर होने जा रही हैं।